और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर मलिष्का और साथ में ऋषि के एक दूसरे के साथ में फाइट होती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि ऋषि से मलिष्का दिहा मुस्ते बोलती हुई नजर आ रही है कि मुझे तुम्हारी किसका इंतजार है और मुझे किस अभी ही चाहिए। दोस्तों वहीं पर ही नीलम की बात की जाए तो नीलम इस समय बहुत बड़ी प्लानिंग बना रही है, क्योंकि ऋषि और साथ में मलिष्का की एंगेजमेंट का अनाउंस करती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऋषि को हालांकि इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि कुछ ऐसा भी होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि नीलम ने पूछी नहीं थी एंगेजमेंट के अनाउंस करने से पहले। लेकिन इधर बात की जाए तो आयुष करने वाला है बहुत बड़ा प्लान, क्योंकि आयुष का मानना यह है कि प्लान को हम एग्जीक्यूट भी करेंगे और पूरी तरीका से करेंगे एग्जिट। आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा की तरह एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि किस तरीका से लगातार ऋषि बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि जो भी कुछ चल रहा है उसे हम बहुत बारीकी से हैंडल कर सकते हैं और हमारे कहीं ना कहीं हैंड में है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय बात की जाए तो कहानी में दिलचस्प मोड आ चुका है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि किस तरीका से ऋषि ओबेरॉय खुद बोलता हुआ नजर आने वाला है लक्ष्मी से कि लक्ष्मी मैं ये एंगेजमेंट वाकई में नहीं करना चाहता। अगर मैं वैलेंटाइन डे किसी के साथ में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तो वो खाली एक ही शख्स है। जी हाँ, एक शख्स में आप लोग जानते हैं कि वो एक शख्स कोई और नहीं है बल्कि वो हैं लक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी के लिए ही वो सब कुछ फील करते हैं। और ऋषि का मानना भी ये है कि जो मेरे लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी के अलावा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता कितना अच्छा है। वहीं सालू और अब आयुष एक नए प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देंगे, ये एंगेजमेंट नहीं होने देंगे आयुष, क्योंकि आयुष बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। साथ दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा कैसे लगी वीडियो। थैंक यू।